सर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अस्सलाम वालेकुम, पहले सलाम, किस चीज़ में मुबारक हो? टेंटले ले लिया हमने, बहुत टेंटले नहीं है फरहान साहब, बेंटले है, खुदा का खौफ करें। आप भी वो जले बड़ी गोल चक्कर पे खड़े होते हैं, टेंटले ये असल टेंटले है, वो ये बेंटले है भाई, वो टेंटले। अच्छा आपस की बात है, वो टेंटले नहीं थी, वो भी टेस्ला थी और वो बगैर इंजन की थी, और इसका इंजन जो है गाड़ी की खासियत है। चले आज आपसे सर इसका भी फैसला करें ना, वो जैगवार ने जो किया है शायद बेंटले भी कर ले, टेंटले कर ले। नहीं नहीं, जैगवार ने क्या किया? जैगवार ने लोगो चेंज किया है, वो देखा नहीं आपने? अबे साले न्यूज नहीं देखी? जैगवार ने अजीब सा कर लिया उसको। जैगवार हाँ। ना मेरी जेब में ना मेरी औकात में, मैं क्यों देखूं? बिल्ला भैया ताड़े भर के होंगे ने, जरा कैमरा पैन करके दिखाएं, ताड़े भर के होंगे ने बिल्ला भैया, ये पीछे भी दिखाएं, पीछे आपके जैसे होते बिल्ला भैया, शेरिया राय को तलाक, बाहर का शॉट भी दिखाएं। मैं बाहर पूछ रहा था कि सुनील पांच का घर कितने हो गए? गड्डी चौक ही यार, गड्डी चौक है क्या मतलब? गाड़ी है यार, खुदा गड्डी चौक। पहले दो इलेक्ट्रिक गाड़ियां धोई है, एक वो आया ने, फिर ये Lexus UX 300 गो ग्रीन का नारा लगाया। वाइपर आपका किसी ने ऊपर कर दिया? ये मैंने किया गाड़ी साफ करने के बाद, ताकि ड्राई हो जाए। यार आप कहाँ से आए हैं? अच्छा छोड़े उसको, ये बताए के टेंटले के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? आपको ये बड़ा पता है कि जैगवार का लोगो चेंज हुआ है, ये क्या है? कार है, ब्रिटिश कार है, ब्रिटिश ब्रांड है। जैसे मेक मॉडल वेरियंट बताए, 15-16 मॉडल है। और इसके इंजन के बारे में बताए यार, 5,000। अच्छा, और सर मुझे नहीं पता, आप मेरे साथ ज्यादा रहा करें, आप आजकल कम रह रहे हैं, आप बताएं ना। ये 6000 सीसी ट्विन टर्बो है, और इंजन फॉर्मेशन बता दें क्या है? वी वी नहीं है, आगे वी है तो क्या है? चले है? वी है तो क्या है? वी कितना? 6 है 7 है 8 है? वी 8 होगी ना सर, ये 12 है। पहली बात, वी 12 है? वी भी नहीं है, डब्ल्यू फॉर्मेशन में, डब्ल्यू 12, 6000 सीसी ट्विन टर्बो। अच्छा, ये आ गया इंजन। अब आ जाते हैं मेक मॉडल और वेरियंट पे। ये गाड़ी आउटलुक से आपको 2018 लगेगी, बट ये 2005 मॉडल है, और इसको फेसलिफ्ट किया हुआ है, जिसमें इसकी लाइटें, बम्पर, व्हील्स, पिछला अगला बम्पर, सारा कुछ जो है फेसलिफ्टेड 2018 है। प्राइस बताएं, मैं लेता हूँ प्राइस। प्राइस क्या है इसकी? वॉलेट अंदर रख लें क्या? कपड़े उतर जाएंगे इजी ले रहे हैं आप। क्या प्राइस आपने लेनी है? हाँ दे दे यार, ये गाड़ी जो है ना, अगर आप इस मॉडल की गाड़ी बगैर फेसलिफ्ट के लेंगे तो ये आपको 2.5-3 की मिलेगी, और इसके साथ ही गाड़ी 3.5-3.5 की मिलेगी। लेनी है आपने, ले लो, पैक करा दूँ सर। मैं इतनी मोस्ट एक्सपेंसिव कार नहीं ले सकता आपकी गाड़ी से, नहीं आपकी जो सपोर्ट कार है उससे तो सस्ती है ये सर। धोई जा रही है, इसको सुखाना भी है। क्या कह रहे हैं? इसके अंदर कोई फोम शोम नहीं डाला हुआ आपने? अभी करते हैं, पार्क व्हील्स का शैम्पू डालेंगे, धोएंगे। आप पहले ये बताएं, ब्लॉग में हमारे साथ हुआ क्या है? ये हमारे जो है वो हकी साहब ने आना था, किन्होंने? फिजान हकी साहब। फिजान हकी साहब ने कितने बजे का टाइम दिया था? उन्होंने पहले 7:30 का दिया था, फिर 8 का दिया था, फिर 3 गाड़ियां मैं धो चुका हूँ, और अभी तक उनका कोई जवाब नहीं है, ना वो फोन उठा रहे हैं, ना वो मैसेज का जवाब दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपके साथ मोहमोह हो गया है। थोड़ी एस्टन मार्टिन से पीछे से लग रही थोड़ी। यस, एस्टन मार्टिन कहाँ की गाड़ी है? वो भी ब्रिटिश कार है। ब्रिटिश ऑटोमेकर जो है ना, उनके सबके डिजाइन एक दूसरे मिलते जुलते हैं, रॉयल्टी चलकती है उसमें से। ओए होए, फरहान साहब मिल्क शेक पिएंगे तो एक ही मिलेगी। सर्विस स्टेशन क्यों नहीं खोल लेते? अपनी भी गाड़ियाँ साफ होगी और बाकी बिजनेस का टाइम कब मिलेगा? अपनी साफ कर करके रह जाते हैं। पूरी गाड़ी को अगर ना लगाते फोम तो क्या फर्क पड़ रहा था? गाड़ी में शाइन नहीं आने थी, गाड़ी में मिट्टी जो रेजिड्यू खड़ी। अभी आप आए थे तो आपने कहा गाड़ी गंदी हालत में है, यहाँ पे कोई मेन रोड है, गाड़ी खड़े खड़े मिट्टी खा जाती है। फिर गाड़ी में वो देख रहा हूँ, लोग ब्लोअर से उसको सुखाते भी है। वो देखे, मैंने गाड़ी साफ करने के बाद खड़ी की थी, कल से खड़ी की है। अगर आपको साफ गाड़ी चाहिए तो टॉप कवर डाल दें ऊपर, फिर साफ रहती है। यहाँ पे भी लाइन में देखे सारी गाड़ियाँ के जो नए टॉप कवर है सारे आपने खरीद लिए? सर मैंने कम अज कम मेरा ख्याल है 18 खरीदे। 18 नई गाड़ियाँ ली हैं आपने? नहीं, नई गाड़ी पे लिखा हुआ कवर लगाना, नई गाड़ी कभी गाड़ियों पे तो दे ही ना, ये पुरानी जो है। नहीं, पुरानी गाड़ियों पे भी नए कवर है, वो साल बाद फट जाते हैं। नाश्ते का क्या प्रबंध कर रहे हैं अब? सर नाश्ता ऑफिस जाके करते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं गीला हो जा रहा हूँ, ये आपका पाइप ही कटा हुआ है। इसी बात को इंग्लिश में कहें बताए ना सर, इसके व्हील साइज क्या है? सर ये व्हील साइज आप पढ़े ना क्या है, लोगों को भी बताएं कैसे पढ़ते हैं ये लिखा हुआ। अच्छा आपको पता ही नहीं है। 21 का है? 21 का है ये लिखा है, ये लिखा है। 21 इंच का टीवी तो छोटा सा होता है, 21 इंच का ये डायगोनल जाता है ना, ये सर्कल में होता है। ओ ये एसएल बोर्ड है इसके अंदर? हाँ जी, एसएल बोर्ड है, लेदर की खुशबू सूंघे अंदर। ये मेरे ख्याल आपको जिंदगी में पहली दफा बेंटले में, हाँ बेंटले में बैठने की मुबारकबाद पेश करते हैं। ओ पूरे फैसला बाद में बैनर लगवा दो। नाजुक सूरत हाल है, पानी बंद कर। ठीक है, अच्छी गाड़ी, पीछे पीछे लेग स्पेस बहुत अच्छी है, बैठ सकते हो आप। कैसी लगी अंदर से फरहान साहब? फरहान साहब कह रहे हैं यारिस भी धोनी है। हाँ वो भी धोते हैं सर, बड़ी देर होगी। यारिस भी धोनी है?
पानी मुझे लगता है कि आप सिर्फ जब मुझे देखते हैं ना तब भी गाड़ियां धो रहे होते, वैसे गंदी होती है सारी गाड़ी देख के लगता है। भजन आपको देखने से पहले ये इतनी गाड़ियां धो ली हैं तो वो क्या वैसे धो नहीं, बात फॉलो कर भाई, ये आप मुझे देख के बैठ हो जाते हैं ना इसलिए। ये तो चेक करे, इसकी चाबी सर वहाँ पड़ी है, निकाले ना चाबी, सारे काम मैं करूं, गाड़ी भी मैं साफ करूं, चाबी भी मैं उठाऊं। फुल स्लैब पड़ी जो है, काउंट रिवील करते हैं। नहीं रिवील हो सकता, नहीं हो सकता, 3 4 5 नहीं हो सकता, 6 7 8 9 नहीं हो सकता, 11 ये मोटरसाइकिल की भी चाबियां लगाई हुई, बहुत चाबी है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 अच्छा 18 नहीं, सारी गाड़ियों की टॉप कवर ले लिए थे आप? नहीं सबके नहीं, ये भी है मेरे पास गाड़ी की। हेलो हेलो अंकल, ये 3 4 5 चाबियां तो मेरी जेब में भी हैं, ये लें। ओह वो चाबी लिफाफे में पड़ी है लेफ्ट पे, वो भी चाबी है, उनको क्या काउंट नहीं करना? ये टेंटले की है, एक और पड़ी है, मोस्ट एक्सपेंसिव कार की, एक और पड़ी है नीचे, ये लेक्सस है। हाँ, वो एक और भी पड़ी, वो क्या, और एक गाड़ी स्टार्ट भी खड़ी है, इन गाड़ियों के अंदर चाबियां लगी भी हुई है, आपने चोरी करनी है? मैं सर आप ये FBI की तरफ से तो नहीं आते? मैं इसलिए जा रहा हूं, मुड़ मुड़ के मुझे FBI से नहीं, हमने कहा कि जरा नहीं, जो मुझे मुड़ मुड़ के FBI से नोटिस आता है कि हर साल रैंडम ऑडिट में आपका नाम आ गया है। इसमें टच पैड भी है, माउथ भी है, ये उधर भी कराची में भी आई थी ना जब हम एक शूट कर रहे थे, तो ये वही गाड़ी है, कराची से ही आई है। ये क्या प्राइस है इसकी? यार ये गाड़ी है तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख रुपए की सर, 300 किलोमीटर ऑल इलेक्ट्रिक। कोई बताइए ना, कोई 18-1 लाख की रेंज में कोई बताए। पैसे दे जाओ, ये ऑल्टो 10 साल बाद ले लेना। 10 साल बाद सर ऑल्टो, उसकी क्या प्राइस होनी, 2020 है भी एक साथ। चले पार्क व्हील खोले ना, अभी निकाले पा रहे हमारा 22 लाख ऐसे लगी हुई तो 22 लाख ठीक है ना, 22 लाख नेगोशिएट और फ्रेंड डिस्काउंट। आपने 18 का है, मैं 18 पे एग्री टू 10 साल बाद डिलीवरी ले ली, 10 साल हम इसको पालेंगे, इसको पानी पिलाएंगे, पेट्रोल खिलाएंगे, इसको चलाएंगे। यार यहाँ पे फरहान साहब टेंट ले आ जाएगी पूरी? चले सर सब दो डाला है आपने, टेंट ले आएगी देखिए जरा, मैं कर ले। आज मुबारकबाद पेश करते हैं फरहान हुसैन को टेंट ले चलाने पर। मेट्रो की तरह दे रहा हूँ भाई, ब्रेक पे पैर रखे, घुमाए घुमाया, लाइट घुमाया पूरा, पैन घुमाना था, ब्रेक पे पैर रखा है। हाँ ये ब्रेक ही है ना, दबाया रखे फुल दबाए। ओह चले ऐसा ऐसा पीछे आने दे, दीवार में ना मार रहा, मेरे पास एक ही है, जाने दे सीधी, जाने दे बिल्कुल सीधी, जाने दे उस वाले मेरी मान के नहीं आ रहे सीधी, मैं कह रहा हूँ नजर ब्रो सीधी करें, बिल्कुल सीधी ऐसी जाने दे, जाने दे, मैं आपको कहूँ मोड़नी तब मोड़नी, अभी सीधी करें। हाँ ठीक है, जाने दे जाने दे जाने दे जाने दे, आहिस्ता बस, जब आहिस्ता क्या उस टाइम एकदम स्पीड में हो गया लड़का। नहीं नहीं आहिस्ता आपने जब कहा तब आप, अच्छा स्टार्ट स्टॉप का बटन भी है इधर? हाँ जी, बड़े दिनों से खड़ी है तो उसकी बैटरी वीक है इसलिए स्टार्ट स्टॉप कायम नहीं करेगा, लेकिन चाबी लगानी पड़ती है। नहीं चाबी नहीं, जरूरी नहीं लगानी, अगर आपकी बैटरी चाबी की ठीक है फिर नहीं लगानी, चाबी चेक करें, ये पैडल शिफ्टर चेक करें, ओ वो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, हीटेड वेंटिलेटेड सीट, हाइट कंट्रोल, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रोल्स रॉयस और इसमें क्या फर्क है? चेक करें। ओ ठीक है जी, फोन आ गया, इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? की चाहिए था? ये चेक किए, की चाहिए था? स्टाइल चेक किया आपने? ये क्या है? एसी के बटन्स को बंद करने के लिए, रॉयल स्टाइल है भाई, हर चीज एक रॉयल्टी है ये गाड़ी। ओ सनरूफ मिसिंग है, अगर सनरूफ ही होती तो क्या ही कमाल था, हवा आती है, ऑप्शन रॉयल हवा आ रही है, रॉयल फैन लगा हुआ है। नहीं इसको ना पंगे ले आप, पीछे वाली सीट देखिए सर, 4 सीट है, सनरूफ नहीं है सर, सनरूफ 4 सीटर है, अंदर लेग स्पेस देखिए ना, नहीं लेग स्पेस बहुत है ये, इसको बकेट हमारा एक ही बंदा आ सकता है इधर, ये बच्चों के, अच्छा फरहान साहब के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा स्टेयरिंग लिया, फरहान साहब इस साइड पे बैठ के ना, ये देखें सिलिका का स्टेयरिंग है, फरहान साहब इधर बैठ के कहेंगे कि मैं चला रहा हूँ गैस, गैस द कार, कैसा लगा रेस में जरा फील हो आपको पता लगे गाड़ी कैसी बात देती है। W12 बोनट देखना है? दिखाए कहाँ से खुलता है बोनट? बोनट इधर से कैसे खुलता है? इधर से खुलता है गरीब आदमी, ये ये क्या, तो बोनट खोलने के लिए अगर और बंदा रखना है? क्यों आप गाड़ी सुतर के बोनट नहीं खोल सकते? शीशा बंद कर लें गाड़ी का और आ जाए। कैसा है वो आपको पहली बार? सर मैं ये लाहौर से इस्लामाबाद लेके गया हूँ, इसे मजा आ गया। W बना हुआ जी, WWV यार फ्रांस अब क्या WWV के नहीं, WWE होता है ये, WW और V है ना इसके, ऑयल बेंटली, और ये आप उसकी पैकिंग चेक करें कि 6000 cc इंजन है। तेल का कितना खर्चा है इसका? तेल का खर्चा नहीं पूछे भी, वो दूसरी W12 की V12 नहीं अपनी, हाँ बड़े दिनों से खराब थी ना, उसकी सीलें डाली हैं कल परसों, कितने का तेल आया गैस करें?
तेल जो ऑयल चेंज हुआ 12 लीटर ऑयल आया 12 लीटर तो 20,000 का होगा हैं 20,000 का तब ये ठीक है आप अपने वैगनआर का तो मैंने याद करें वैगनआर का तेल चेंज होता है 12 से 15,000 रुपए में सर 80,000 रुपए का तेल आया सर वैगनआर का किधर होता है ये अपनी गाड़ी का 8,000 का मेरी गाड़ी का यार इसका 82,000 का तेल आया है वो गाड़ी वहां पे खड़ी है वो नहीं मैं दिखाऊंगा आप गैरेज टूर पूरा करने के चक्कर में ये इंडस का क्या हाल है इंडस का क्या हाल है अभी आप चेक कर लें क्या हाल है ये एक महीने से खड़ी थी ऑटो शो के बाद से तो इसको बंद किया था अभी दोबारा स्टार्ट करते हैं इंजन क्यों खोला हुआ है दोबारा स्टार्ट करते हैं जंप स्टार्ट की थी बड़े दिनों से खड़ी थी बंद थी बोनट खोला हुआ ठीक है फिजान ने की है नहीं फिजान रखी है कि रही रहे मेरा ख्याल है फिजान नहीं रहे आप अब दफ्तर चले मैं भी तैयार होकर आ रहा हूँ क्योंकि अभी तक उनका रिप्लाई नहीं आया इसका मतलब है बहुत जोर से सो रहे हैं सर बाहर की गाड़ियां तो दिखाए यार अभी अंदर की नहीं दिखाई तो बाहर की दिखाऊं आ रहा हूँ एक मिनट के बाहर वाले उन्होंने क्या गाड़ियाँ हटाएं उनके घर के आगे से गाड़ी भी हटानी है इधर आए दिखाऊं मैं आपको ड्राई डेंटिंग क्या होती है ये पूरा दरवाज़ा अंदर चला गया था ड्राई डेंट हुआ ये देख रहे हैं लेकिन बड़ा अच्छा ड्राई डेंट हुआ है ये अंदर था यहाँ से अंदर था ड्राई डेंट हुआ ये क्लासिक रहा है मैंने भी वो एक दो ड्राई डेंटिंग का बिल पता कितना कितना क्या आपके हाथ से ड्राई डेंटिंग पूरी गाड़ी ड्राई डेंटिंग क्या पैसे होंगे 50,000 नहीं भाई खैर ये तो 50,000 ड्राई डेंट है पेंट है अच्छा डिवाइड बाय 2 कर लें 25,000 अब मेरे दो डेंट निकाल लें इसमें कितने पैसे लगेंगे आपके डेंट नहीं निकल सकते गाड़ी के निकल जाएंगे डेंट ले ये लांसर ये कब ली है यार ये हमने ऑटो शो से पहले ली थी उड़ता तीर प्रोजेक्ट आप देख नहीं रहे वीडियो देख रहे देख अच्छा हाँ उसने ऑटो शो के लिए रिजेक्ट की थी यार ये ग्रिल किसने तोड़ी है इसकी फरहान लो जी फरहान साहब हाँ जी गेम ऑन क्या जंप स्टार्ट कैसे करनी बैटरी चोरी होगी कोई नहीं सर उसाका नहीं उसाका नहीं जो हम मैं वो पे कह रहे थे ना कि ये ग्रिल बेसिकली ग्रिल किसी ने काटी है अच्छा और फिर इसको लॉक को खोला है लॉक को खोल के फिर ये भी तोड़ दिया उसे सारा खींचा ना ये देखिए ग्रिल यहाँ से खोल के ये लॉक किया वहाँ से वो निकाल ली और ये कैमरा मजे की आवाज है कैमरे में आ रहा होगा अच्छा वो ये भी तोड़ के लेके गया फ्रांस साहब ये देखे ना ये तोड़ा क्या समाना आ गया है इतनी मेहनत करके उसने बैटरी चोरी की है कितने की बिकती होगी 22,000 की चोरी वाली कितने की बिकती 22-25,000 रुपए की बैटरी नहीं तो कब ली थी आपने अभी ली थी ये अभी धाल रैली पे जाने से एक दिन पहले खरीदी नहीं लेकिन सेकंड हैंड तो सस्ती बिकती होगी ना 10,000 की बिकती होगी चोरी की तो कहीं भी नहीं बिकती होगी पता नहीं कैसे बेची होगी उसने लेकिन उसकी मर्जी है बेची थी तेरी गाड़ी को तो नहीं कुछ हुआ ये बड़ा अनसेफ इलाका है ओके सर लाला ये भी रखे वो आए उसे कह रहे हैं गाड़ी की को बैटरी निकाल के ले गए अभी बैटरी लगा के फिर उसको आगे करेंगे आए इधर से आए फ्रांस साहब इधर से आए इधर से इधर से आए आपको पता लगे अच्छी गाड़ी क्या होती है चाबी लेते आइएगा ये वैसे फ्लॉप क्यों हुई गाड़ी है किसने क्या फ्लॉप हुई नहीं चली ना उसके बाद दोबारा आई चलाएं चलती है क्यों नहीं चली नहीं वैसे मैं कह रहा हूँ कि नहीं महंगी पड़ी है आप इसको चला के आए अभी आप इसके बाद आप ले लेते महंगी ये तो आपने कहा मैं यारिस नहीं चलाऊंगा इसकी फिनिश देखें गाड़ी नहीं सर मैंने चलाई हुई स्टार्ट करें आपने 1300 चलाई थी ये 1500 है 1600 है छत के ऊपर आपको मिट्टी के निशान नजर आ रहे हैं स्टेन्स नहीं चल रही थी लेकिन कभी सफाई नहीं की थी किसी ने ये भी ये बोनट पे आए देखें अभी आपको यहाँ पे मिट्टी के स्टेन्स अभी भी नजर आ रहे हैं ये भी है ये एक दो दफा करेंगे मजीद तो फिर ठीक होगा रिम सारे रीडू हुए हैं लाइटें साफ हुई हैं इंटीरियर पूरा डिटेल हुआ है गाड़ी के टायर ब्रांड न्यू डले हैं ये वाहिद गाड़ी इसमें चाइनीज टायर हैं जो आप कह रहे हैं लेकिन मैंने नहीं डाले पहले के डले हुए थे और आप गाड़ी को देखें तो मतलब दूर से पता लगता है कि नहीं गाड़ी तो बड़ी खानदानी गाड़ी है आप फोन पे किसको बता रहे हैं गाड़ी के बारे में मैं फिजान हकी हूं मुझे नहीं मिलना ये चिराग में नहीं आनी है अब आपको खिलाना पड़ना ये होती है आर के आर सर ये देखें ब्यूटीफुल आर के आर अच्छा ये आर के आर ही है ओरिजिनल आर के आर और इसके अंदर 5VZ इंजन डाला हुआ है 3.4 लीटर जो होता है टोयोटा का अब इसका डैशबोर्ड हमने ओरिजिनल क्या होता है ओरिजिनल इसके अंदर 4 लीटर भी आता है अंदर अच्छा ये हमने स्टीयरिंग बड़ा अच्छा डाल दिया स्टीयरिंग डाल दिया डैशबोर्ड पूरा नया बना है उसका वो जो जापानी विट्स टाइप गाड़ी है या विट्स का ही है या माय फ्रेंड या सो ये भी बड़े मजे की जीप है इसके रिम टायर ब्रांड न्यू डले इसको टोटल रीडू किया है इसकी छत नई बनी है 5VZ इंजन है वर्किंग एसी है फेसलिफ्ट हुई है पूरी गाड़ी यस हो गई है चलें जरा आप नाश्ता करें आ जाएं यार आपको भी करा देता हूं हम अपने जरा जा रहे हैं काम पे